अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनशॉट पर अपनी वीडियोस को एडिट किया जाता है। इनशॉट है क्या? इनशॉट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर लोग अपनी वीडियोस को क्रिएट करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इसके थ्रू हम अपनी वीडियोज़ को बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं। उनमें सॉन्ग्स ऐड कर सकते हैं, कैप्शन लिख सकते हैं। ये आपको मेरे मोबाइल के इंटरफेस पर नज़र आ रही है। इनशॉट इसको ओपन करते हैं, देखें ऑलरेडी कुछ बनी हुई है और हम न्यू जो मैं अपनी वीडियो क्रिएट करना चाह रही हूँ उस पर चलते हैं। यहाँ से मैं पिक्चर्स सिलेक्ट करूँगी जिनको मैं अपनी वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। ऐसे रैंडमली आप देख रहे हैं कि मैंने पिक्चर्स सिलेक्ट की है और उनको यूज़ कर लिया। देखें कैनवास सेलेक्ट कर लेना है हमने कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप टिकटॉक के लिए करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए, किसके लिए करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद इसको सेव करेंगे। कैनवा हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम एक एक क्लिप को पकड़ के इसमें एडिट करते हैं। इसका ये है, अगर कोई पिक्चर हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो कर देंगे, बैकग्राउंड सेट करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अप्लाई फॉर ऑल, ठीक है। ये बैकग्राउंड जो है ना सब पे चलेगा, एक पर नहीं। और फिर उसके बाद हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये आपको टूल बार में आप जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे आपको वैसे वैसे ये सारे ऑप्शंस पता चलते जाएंगे। फ़िल्टर कोई चेंज करना चाह रही हूँ, ये देखें ऐसे आप फ़िल्टर इन पर चेंज कर सकते हैं। फ़िल्टर अप्लाई टू ऑल मीन्स के जितनी भी इमेजेस हैं उन सब पर, ठीक है। ऐसे फिर सेम हो जाएगा। ये मैंने सब पर एक ही फ़िल्टर लगा दिया। वो फ़िल्टर लगाने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट राइटिंग का, स्टिकर्स का, बैकग्राउंड का, वॉल्यूम अप, स्पीड, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये एक थीम सा आ गया उसमें। इस तरह आप इनको यूज़ कर लेंगे। इन सब को यूज़ करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है साउंड का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वॉल्यूम हम उतना ही रखेंगे और सॉन्ग ऐड कर लेंगे। ये देखें म्यूज़िक यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पर हम म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स, और साथ में इसके हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मींस के हम कोई लोग होते हैं जिनको सिंगिंग का शौक़ होता है तो वो खुद से भी सॉन्ग अपना ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये वीडियो इस तरह से होती है कि आप कोई काम कर रहे हो तो आप अपने स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप उसमें भी अपनी वॉइस ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को कुछ समझा रहे हो, कोई पेंटिंग का बता रहे हो, किसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हो, आप उस पर साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है, ठीक है। म्यूज़िक ऐड करते हैं। हमारे मोबाइल में कोई है नहीं है तो जो इस एप्लीकेशन के हैं हम उन्हीं में से कोई एक यूज़ करेंगे। वॉल्यूम मैंने ऑफ़ कर दिया है ताकि आपको मेरी आवाज़ सुनती रहे। डाउनलोड करने पड़ते हैं। डाउनलोड करने के बाद इनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। आपने जितने करने हो उतने डाउनलोड कर लें। माय म्यूज़िक वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। कोई भी हो पर आवाज़ म्यूट है, आपको सुनाई नहीं देगा। ऐसे आप अपने म्यूज़िक में से भी ऐड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के जो म्यूज़िक हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनको लोडिंग होने में थोड़ी टाइम लगेगा तो मैंने जो अपना वो वाला यूज़ किया है उसी को ही अप्लाई कर लेते हैं, जो मैंने सेलेक्ट किया था। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखें मेरी वीडियो किस तरह से चलेगी। स्पीड भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये मुझे थोड़ी स्लो लग रही है तो मैं इसको थोड़ी सी फास्ट करूँगी एंड सारी पिक्चर्स ही थोड़ा तेज़ी से चलेंगी, ठीक है। और ये मैंने स्पीड स्लो कर दी है एंड ये थोड़ी सी ज़रा फास्ट हो जाएंगी। इन पर जो इस तरह से एक इफ़ेक्ट्स आते हैं किस तरह से मूव ऑन होंगी ये, ठीक है। ये देखें इसको सेट करने के बाद ये देखें ये पिक्चर इस तरह से मूव करेगी। नेक्स्ट पिक्चर पर चलते हैं, वो किस तरह से मूव करेगी। इधर से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे बैकग्राउंड में चेंज करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। अगर मैं इसको यहाँ तक रखूँगी तो वो पिक्चर बस उतनी एडिट होगी। अगर यहाँ तक करूँगी इस डॉट को तो ये कम्प्लीट होगी। देखें अब मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि आपको वीडियोस की समझ आती जाए।
यस अप्लाई टू ऑल ऐसे, जिस तरह ये मूव करेंगे आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इन सब पर कोई ना कोई आप इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा प्यारी बन सके। एंड यहाँ से कंप्लीट। ये तरीका है इसको एडिट करने का, सॉन्ग लगाने का बताया, फ़िल्टर चेंज करने का बताया मैंने, स्पीड हाई एंड लो, बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करते हैं, वॉल्यूम इसका किस तरह से सेट करते हैं, ये सारे ऑप्शन थे इन शूट के, मीन्स कि हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं उसको किस तरह से कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं उसको, अगर ज़्यादा लेंथ है तो उसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से क्लिक करेंगे फिंगर के साथ, ये जो निशान है एरो का, इधर से उसको साथ जोड़ते जाएंगे। ये देखें, स्पीड भी आपको पता चलेगी कितने सेकंड्स बढ़ रही है, कितने सेकंड्स कम हो रही है। करने के बाद हम इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, कन्वर्टिंग वीडियो, वीडियो कन्वर्ट हो रही है, इसके बाद ये मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, मैं आपको अपनी गैलरी में दिखाती हूँ फोटोज़ में। ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है, वॉल्यूम मैंने इसका ऑफ़ किया है ताकि आपको मेरी आवाज़ सही से आती रहे। और ये तरीका है वीडियो क्रिएट करने का, ये 30 सेकंड्स की वीडियो क्रिएट किया मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।